नमस्कार दोस्तों, दास सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा टीवी आया और उस टीवी का प्रॉब्लम है वाइट डिस्प्ले का। तो वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है और मैंने जब चेक किया तो चेक करने के बाद पता चला डीसी टू डीसी आईसी खराब है, फायर हो गया। और जो लोकल मार्केट है वो मार्केट में पैनल बूस्टर भी नहीं है। तो इस कंडीशन में इस टीवी को कैसे रिपेयर किया जाए, तो मेरा साथ एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए मैं कैसे ये टीवी को रिपेयर करता हूँ। और दोस्तों, चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दास सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और दास सर्विस सेंटर चैनल के तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये एक छोटा सा जो टीवी आया मेरे पास और ये टीवी का प्रॉब्लम है व्हाइट डिस्प्ले का। और ये देखिए, ये हो गया डीसी टू डीसी आईसी, ई आई सी फायर हो गया, ये ख़राब हो गया। उसके बाद ये मार्केट में भी पैनल बूस्टर फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है। तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को ये तरीका भी बताऊंगा। अगर आप लोग का पास पैनल बूस्टर नहीं होगा तो कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे रिपेयर करें, तो मैं आप लोग को ये पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैंने कैसे बनाया वो भी समझ में नहीं आएगा। पहले पैनल का जो प्रॉब्लम है उसको पहले देखना चाहिए। आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग देखिए पहले जो क्या कंडीशन में आया है। तो मैं ये देखिए पावर, मैं पावर को लगा रहा हूँ, ये पावर को लगाया, ये देखिए ये रेड इंडिकेटर, ये अभी स्टैंड बाई मोड में चला गया। ये देखिए ग्रीन होगा, ये ग्रीन हो गया। तो ये देखिए एल बी डी एस भी लगा हुआ है पूरा और इसका जैक भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, तो इसमें फॉल्ट है दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, ये देखिए। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग रिपेयर करेंगे। और ये पैनल बूस्टर अगर नहीं होगा तो कैसे ठीक करें, ये उसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। ये वोल्टेज को देखिए, ये 5 वोल्ट का पैनल है तो 5.3 वोल्ट ये बता रहा है, लेकिन एबीडी वोल्टेज, ये देखिए एबीडी वोल्टेज 4.4 वोल्ट, एबीडी वोल्टेज 14 वोल्ट के आसपास होना चाहिए लेकिन नहीं है। और ये देखिए बीजीएस को, बीजीएल को, बीजीएल वोल्टेज 0.5 वोल्ट और ये बीजीएस पॉइंट है, तो बीजीएस पॉइंट, ये देखिए बीजीएस 0.8 वोल्ट और बीजीएल को फिर देखते हैं 0.5 वोल्ट। तो ये बीजीएस बीजीएल कुछ भी नहीं बन रहा है, 3.3 वोल्ट वोल्टेज है दोस्तों, 3.3
3.5 वोल्ट ये मिल रहा है, लेकिन ABD वोल्टेज नहीं बन रहा है, BGL नहीं बन रहा है और BJC भी नहीं बन रहा है। जो पैनल बूस्टर है वो अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो ये TV को किसे रिपेयर करना है वो तरीका मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और तो दोस्तों ऐसा एक स्काइलर PCB अगर आप लोग का पास होगा तो ये काट करके ये लगा सकते हो। अगर DC to DC IC नहीं मिलेगा और पैनल बूस्टर अगर नहीं मिलेगा तो ये कोई पुराना TV से जिसे स्क्रीन फटा हुआ है वो इस पैनल से ये खुलकर ये स्कलर PCB को आप लोग लगा के TV को ऑन कर सकते हो, TV को चलाने का लाइक बना सकते हो। तो दोस्तों मेरे पास इसे एक सस PCB है जो का बात है, मैं एक TV को बनाया, बनाने के बाद उसका डिस्प्ले फटा हुआ है तो मैंने क्या किया, ये डिस्प्ले से ये स्कलर PCB को मैं निकाल दिया। और अब मैं क्या करूँगा, ये स्कलर PCB को मैं लगाऊंगा इसी के ऊपर में, और उसको लगाने का बाद TV चलने का लाइक बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए उसको कैसे लगाते हैं और उसको लगाने का बात किया क्या चीज़ को हम लोग ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तो ये भी मैं बताऊंगा। और आप लोग अच्छा से ध्यान दे के ये वीडियो को देखना, और जो मैं कनेक्शन करूँगा वो कनेक्शन भी आप लोग अच्छा से देखना, वो कनेक्शन करने का टाइम में क्या क्या चीज़ को ध्यान देना होता है। तो जो न्यू टेक्नीशियन है भाई, ये लोग को लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा ये अगर अच्छा से समझ जाएंगे तो कोई भी LED TV को आप लोग बना सकते हो, ये बात को याद रखना दोस्तों। और लगाने का साथ में क्या देखना हम लोग को ज़रूरी है ये भी अच्छा से देखना बारीकी से और समझने के प्रयास करें। तो दोस्तों चलिए मैं ये कलर PCB को कनेक्शन करता हूँ, और कनेक्शन करने का बाद ये TV क्या चलेगा नहीं चलेगा तो आप लोग खुद ही देख लेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए और वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो पता भी नहीं होगा कुछ भी और उसका बारे में जानकारी भी नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, ये जो PCB स्कलर PCB है उसका जगह से प्लस को ये PCB को प्लस सप्लाई देंगे, BCC सप्लाई 5 वोल्ट और नेगेटिव को जोड़ेंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा काट काट करके बनाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेगेटिव कनेक्शन ये जो LVDS का कनेक्टर है, कनेक्टर का साथ कनेक्ट करें तो क्या होता है, उसको पूरी जगह पर ये नेगेटिव वोल्टेज को मिलता है, और ये जगह पर भी दिया है नेगेटिव वोल्टेज, ये भी नेगेटिव लाइन है, ये भी नेगेटिव लाइन है, लेकिन ये जगह पर देंगे तो पैनल में वोल्टेज हर वोल्टेज को आउट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये जगह पर लगाना चाहिए। ये आप लोग अच्छा से याद रखना, ये कनेक्टर का ये बॉडी होता है। तो दोस्तों ये लगाना, ये कनेक्शन लगा दिया, अभी देखना है उसका ये पैनल, ये जो सस PCB ये ठीक है कि नहीं, उसका वोल्टेज मेजर करना है। तो मैं लगा रहा हूँ प्लग को, और ये प्लग को लगाया, ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज होगा अभी, तो ये देखिए स्टैंड बाय रिलीज हो गया, ये बैकलाइट भी ऑन हो गया। और अभी उसका वोल्टेज चेक करते हैं, ये PCB में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो एक नेगेटिव को लगा देता हूँ और अभी देखते हैं BCC वोल्टेज। ये देखिए 5.1 वोल्ट बता रहा है, और ये BGS को देखते हैं 29.1 वोल्ट, और ये BGL को देखिए -06.9 वोल्ट, और BCOM वोल्टेज 5.9 वोल्ट, ABD वोल्टेज को देखना चाहिए दोस्तों। तो
ये जगह से भी हम लोग देख सकते हैं एबीडी वोल्टेज को। तो ये देखिए एबीडी वोल्टेज 13.9 वोल्ट। एबीडी वोल्टेज ये जो डायोड लगा हुआ है, डायोड का पॉजिटिव साइड में एबीडी वोल्टेज होगा, नेगेटिव में सप्लाई नहीं होगा दोस्तों। तो ये पैनल में वोल्टेज हर कुछ काम कर रहा है, लेकिन अभी कनेक्शन करना है। क्योंकि कनेक्शन करने का टाइम में दोस्तों एक बात अच्छा से याद रखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोग याद रखना अच्छा से। देखिए ये बीजेस लाइन को ये बीजेस लाइन में जोड़ेंगे, और बीजेल को बीजेस बीजेल में जोड़ेंगे, एबीडी को एबीडी का साथ जोड़ना है। लेकिन आप लोग ये कनेक्शन तुरंत मत करना, नहीं तो होगा नहीं और पैनल भी ख़राब होगा, और ये जो पैनल है पीसीबी है वो भी ख़राब हो जाएगा। आप लोग ये बीजेस लाइन को पहले चेक करें, मीटर को कंटिन्यू रेंज में रख कर नेगेटिव का साथ रख के ये बीजेस लाइन को चेक करें, बीजेस लाइन शॉर्ट है कि नहीं। अगर बीजेस लाइन शॉर्ट होगा और ये बीजेस लाइन को ये जगह पर कनेक्ट कर देगा तो ये सॉस पीसीबी का ये डीसी टू डीसी आईसी फायर हो जाएगा दोस्तों। ये बात आप लोग याद रखना, और जितना भी ये सप्लाई लगाएंगे सब सप्लाई को पहले मेजर करना, चेक करना कोई जगह पर शॉर्ट है कि नहीं, बीजेस लाइन शॉर्ट है कि नहीं, बीजेल लाइन शॉर्ट है कि नहीं, एबीडी लाइन शॉर्ट है कि नहीं, सब कुछ देखने के बाद तो भी ये कनेक्शन करना, नहीं तो ये स्कैलर का डीसी टू डीसी आईसी फायर हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन पैनल नहीं बनेगा कभी भी। तो इसमें ये पैनल में ज़्यादा कोई भी एलईडी टीवी में जो पैनल बूस्टर लगाने का टाइम में ये चीज़ को अच्छा से ध्यान देना पड़ता है और देखने पड़ता है शॉर्ट वगैरह है कि नहीं, तभी जाके पैनल को लगाना। तो दोस्तों मैंने ये चेक कर लिया, ये पैनल में कोई जगह शॉर्ट नहीं है और मैं अभी कनेक्शन कर सकता हूँ। तो टीवी को ऑफ करता हूँ एक बार। तो दोस्तों बीजेस का साथ बीजेस कनेक्ट करना, तो ये बीजेस लाइन है उसका साथ कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके का ये बीजेस लाइन है और ये बीजेस लाइन है, तो बीजेस बीजेस में कनेक्ट होगा। अभी बीजेल में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बीजेल लाइन है, बीजेल लाइन के साथ बीजेल को कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया। और ये लाइन है बीकॉम, तो बीकॉम का साथ बीकॉम कनेक्ट कर देंगे। बीकॉम एक सप्लाई है दोस्तों, ये पैनल में दे देते हैं क्योंकि ये जगह पर बीकॉम सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। उसका बाद एबीडी सप्लाई को दे देते हैं। तो ये जगह से हम लोग देंगे तो भी होगा। ये डाइट का जब पॉजिटिव लाइन है, ये देखिए ये लाइन से हम लोग दे देंगे बीजेल एबीडी सप्लाई को। अभी एबीडी सप्लाई को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटा सा लाइन है, आँख से नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मिल गया एबीडी लाइन, उसको जोड़ दिया। ये सब वायर कनेक्शन हो गया, उसमें कितना कितना कनेक्शन लगाया देखिए, प्लस माइनस एबीडी बीजेल बीजेस और बीकॉम, ये पांच वायर ही मैंने लगाया और पांच ही वायर से ये पैनल चल जाएगा। तो दोस्तों टीवी तो हो गया, और आप लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों कुछ कमेंट का ऊपर में मैं वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो में अपलोड भी नहीं करता हूँ। और मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ, जो नया टेक्नीशियन है, जो न्यू इस लाइन में आया है, उन लोग के लिए ये ज़्यादा मैं बना रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, ये उसका टीवी तो बन गया, ये टीवी हो गया, और ये जगह पर मैं काट दूँगा, ये जगह पर इस तरह करके ये हो गया। ये देखिए ये काट दिया, और ये जगह पर ये फिट कर देंगे इस तरह।
कोई गम वगैरह से दे के ये जगह पर फिट कर देंगे और कवर लगा देंगे, बस ये टीवी बढ़िया चलेगा, कोई दिकदार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये स्काइलर पीसीबी को मैं तोड़ दिया ये जगह से, लेकिन आप लोग का कुछ डाउट होगा, ये तोड़ दिया तो क्या ये टीवी चलेगा, ये डाउट होगा आप लोग का, तो ये डाउट भी मैं ये डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा। टीवी को मैं फिर लगा रहा हूँ दोस्तों, और फिर लगा के आप लोग को चेक करा के बताता हूँ, ये तोड़ने का बाद ये चलेगा नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं ये देखिए, मैं प्लग को लगाने जा रहा हूँ, ये प्लग को लगाया और ये देखिए, और अभी ये देखिए ये ब्लिंक हुआ और बैक लाइट ऑन हो गया। तो अभी दिखाते हैं आप लोग को लगा कर। ये देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए ये टीवी चल रहा है, और ये देखिए इसका इमेज है नो सिग्नल का, और नो सिग्नल का इमेज जब आएगा दोस्तों आप लोग याद रखना है, पिक्चर भी पिक्चर में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, पिक्चर कलर सब कुछ ओके होगा, ये सिग्नल अगर अच्छा होगा तो।